फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ नव्या निगम एंड टूडे आई एम विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई विश कि आप सभी का न्यू ईयर बहुत ही अच्छे से जाए और जैसे आपने मुझे लास्ट ईयर सपोर्ट किया, मुझे आगे भी बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। आप इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ऊपर स्क्रीन पर आपको उसका नाम दिख रहा होगा। सो टू नॉट गेट डिलेड, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ अनदर हॉल वीडियो और वो वीडियो है बूट्स पे। अभी विंटर सीजन चल रहा है तो हम सबको एक अच्छे बूट कलेक्शन की नीड होगी, तो मैं इसीलिए आप सबके लिए बूट का कलेक्शन लेके आई हुई हूँ। और सारा जो रेंज है वो 500 से स्टार्टिंग है, 500 से लेके अप टू 1400 तक है। और वो मैंने सारा का सारा एजियो से लिया है, ड्यूरिंग द सेल लिया है। और इवन ड्यूरिंग द सेल क्या, उसमें आए दिन कोई ना कोई ऑफर्स भी होते हैं तो आपको अच्छा डील तो मिल ही जाएगा। जो भी मैंने मंगाया ना, सब बहुत कंफर्टेबल है, उसकी रेटिंग वगैरह बहुत अच्छी थी, तो मैंने सब चीज़ देख के ही मंगाया हुआ है। ये जो फर्स्ट शूज़ है ये शूटोपिया ब्रांड का है, ये वाला गंबूट। बहुत ये हाई हील्स भी नहीं है इसकी, बहुत कम्फर्टेबल हील्स हैं, ब्लॉक हील्स हैं, अच्छी है। और इसका जो ये मटेरियल है, यहाँ जो फैब्रिक यूज़ है वो स्वेट का है, वेलवेट ही है कह लो आप, और बहुत ही कंफर्टेबल है। शूटोपिया आपने और भी देखे होंगे, इसके कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और ये मैंने सिर्फ 500 रुपीज़ का लिया था, मतलब बहुत अच्छा। 500 रुपये में आप और क्या ही लोगे, इतना अच्छा पीस मिल रहा है आपको। बहुत ब्लैक कलर तो आपके सारे ड्रेस के साथ सूट करेगा। मुझे तो ये वाला पीस काफ़ी अच्छा लगा। इसके और भी कलर्स अवेलेबल है, इवन शूटोपिया आपके आप रेंज देखोगे ना तो बहुत ही उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है अच्छे अच्छे। मुझे ये वाला पसंद है। इसके एक दो कलर्स और भी अवेलेबल हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। जो इसका फैब्रिक है वो वेलवेट है तो थोड़ा सा इसमें केयर करना पड़ेगा आपको। जैसे आप अगर जा रहे हो कहीं तो आपको थोड़ा कॉटन से या फिर कोई क्लॉथ है तो उससे आप वाइप कर देना, क्योंकि ये थोड़ा डस्ट ज़्यादा पकड़ रहा है, क्योंकि वेलवेट है और ब्लैक है तो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बाकी तो ओवरऑल एज अ प्राइस अगर मैं कंपेयर करूँ या फिर इनकेस मैं ये देखूँ कि अगर आपको थोड़ी देर के लिए पहनना है तो आप इसे ले सकते हो, कोई बुरा चॉइस नहीं है। ये ब्लैक कलर है और सब पे सूट भी करेगा और अफोर्डेबल भी, जस्ट 4 रुपीज़ 500। नेक्स्ट ये जो है ये है ब्राउन कलर का, ये देख सकते हो आप। ये भी ब्लॉक हील्स है और ये भी स्वेड है, बट क्या है वो जो ब्लैक वाला था इसके पहले जो मैंने दिखाया था वो ज़्यादा डस्ट पकड़ रहा है, बट ये वाला उतना डस्ट नहीं पकड़ रहा है। लेकिन जो मैंने मंगाया था ना उसमें यहाँ पर फर भी था ब्राउन कलर का, बट जो मुझे रिसीव हुआ है ना उसमें यहाँ फर नहीं है, तो मैं तो ये वाला रिटर्न करूँगी क्योंकि मैंने तो फर देख के मंगाया था कि थोड़ा सा अलग लग रहा है ये, बट हुआ क्या है ये और ब्लैक वाला तो सेम ही हो गया। बाकी ओवरऑल अगर मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। वैसे मैं रिप्लेसमेंट के लिए डालूंगी, अगर इनकेस वो मुझे फर वाला दे देते हैं तो बेस्ट है। और मैं मुझे जब वो फर वाला रिसीव होगा ना तो मैं उसकी वीडियो भी आपको अपलोड कर दूंगी आप लोग के लिए। ये मैंने 700 रुपीज़ का लिया था, ब्राउन कलर है, बहुत ही प्यारा सा पीस है ये, आप देख सकते हो। मैं फर वाला ही रिसीव नहीं हुआ है, मुझे वही प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करूँ तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। इसका जो मटेरियल जो है, फैब्रिक जो लगा है वो वेलवेट का है। उसमें 3 कलर्स अवेलेबल है, मैंने ब्राउन वाला लिया है, इसमें ब्लैक और एक मैरून शेड भी है। बाकी आप प्रोडक्ट को वीडियो में देख सकते हो कि वो तो अच्छा है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इन सब की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट ये जो है ये शिजोन का है। शीजोन के तो इस टाइम जो कलेक्शन है ना वो मुझे तो काफ़ी पसंद है। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाई है हील्स की, उसमें मैंने शीजोन के कई सारे फुटवेयर्स आपको दिखाए होंगे। और ये आप देख सकते हो ये बहुत डिफरेंट सा है। ये बेसिकली ना ये प्रॉपर म्यूल है ना ये बैली है, ये ऐसे यहाँ कवर अप है, तो आप इसे विंटर में ईजिली पहन सकते हो। इनकेस विंटर क्या, आप इसे फॉर्मल अटायर पर अच्छे से पहन सकते हो। इनकेस फॉर्मल तो हटा दो, अगर आप नॉर्मली भी पहनना चाह रहे हो तो भी अच्छा है। जो हील्स है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हील्स नहीं है, नॉर्मल हील्स है। जो ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है क्योंकि हील्स भी कम है तो बहुत कंफर्टेबल है इसको पहनना। और बाकी जो यहाँ पर ये कवर अप है ये भी बहुत अच्छा है, फॉर्मल अटायर पे तो काफ़ी अच्छा लगेगा ये। इसका मैंने ये बर्गंडी कलर लिया है, इसमें ब्लैक कलर और ब्राउन कलर भी अवेलेबल है। पीस जो है ये थोड़ा सा हाई है, ये 1300 समथिंग का है, बट अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ ना तो ये वर्थ है 1300। वियर कर रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है इसको पहनना, आपके सोल को बहुत ही आराम मिलेगा इसमें जो अंदर का मटेरियल यूज़ हुआ है। और बाकी जो ऊपर से है ये भी बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल भी शू बाइट नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे बेलीज वगैरह बहुत जल्दी शू बाइट करते हैं, बट इसमें जो ये मटेरियल है ना ये बिल्कुल भी शू बाइट नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी। तो मुझे तो ये वाला पीस बहुत अच्छा लगा, मैंने तो ये बर्गंडी कलर लिया। अगर आप इसको ब्लैक कलर और ब्राउन कलर भी अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहोगे तो आप वो भी देख सकते हो। बाकी तो ये वाला आप देख ही रहे हो कितना अच्छा। नेक्स्ट ये जो है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, ये थोड़ा हाई हील्स है इसमें, ये देख सकते हो आप। और इसका भी जो मटेरियल है वो स्वेड है, लेकिन अगर मैं इसकी स्टाइल की बात करूँ तो ये बहुत ही क्लासी है, ये देख सकते हो आप। ये थोड़ा सा
इसका जो ये एरिया है ये भी थोड़ा अच्छा खासा आपका कवर अप करेगा, एंकल एंकल से हल्का सा ऊपर है ये। और इसमें देख सकते हो यहाँ पर ऐसे वर्क है, और ये वाला लेसेस वाला नहीं है, ये चेन वाला है, ये ऐसे आप देख सकते हो। मैंने ब्लैक कलर लिया क्योंकि मुझे ब्लैक कलर बहुत ही पसंद है। और इसमें दो कलर्स अवेलेबल है, एक बर्गंडी है और एक पीच कलर भी है। आप देख सकते हो प्रोडक्ट कितना अच्छा है। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ, क्वालिटी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये 1400 का है, और इसका जो हील है, हाई हील्स है, अगर आपको हाई हील्स में कुछ चाहिए तो आप ये डेफिनेटली ले सकते हो। अगर मैं इसकी कंफर्ट एरिया की बात करूँ, इसका कंफर्ट जोन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब इतना हाई हील्स ज़रूर है बट ये कंफर्टेबल है, अंदर भी शूज़ में जो अंदर स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छी खासी है, और बिल्कुल भी कहीं से भी ये आपके फिंगर्स वगैरह को दबा नहीं रहा, मतलब मुझे तो नहीं दबा रहा है। बाकी अगर आप अपने साइज का सही से ले लोगे तो आपको अच्छा तो मिल ही जाएगा। अगर मैं इसकी केयर की बात करूँ तो हाँ देखिए, स्वेड है तो केयर तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा वो डस्ट जल्दी पकड़ता है तो वो चीज़ रहेगा बाकर। लेकिन ओवरऑल तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं ओवरऑल इसकी बात करूँ तो ओवरऑल तो मुझे तो ये बहुत पसंद है, काफ़ी कूल कलेक्शन है, और ऐसे भी फुटवेयर आपके फुटवेयर कलेक्शंस में तो होने ही चाहिए। सो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इनकेस आपको इनमें से कोई भी फुटवेयर पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सा वाला अच्छा लगा। इनकेस आपकी कोई विश है कि मैं इस कंटेंट पर वीडियो बनाऊँ या ये सामान आपको दिखाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर आप बताना, तो मैं आगे उसको फुलफिल करने की कोशिश करूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर कर देना ताकि और लोगों तक वो पहुँच सके। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपको आए दिन में कोई ना कोई ट्रेंडी जो कलेक्शंस हैं वो अपने दिखाती रहती हूँ, तो आप वहाँ ज़्यादा अप टू डेट रहोगे। तो वहाँ भी मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहना आप, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।